हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 8 विषय हिंदी की एक नई शिक्षण योजना लेकर आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह शिक्षण योजना आपको पसंद आएगी। अगर यह शिक्षण योजना आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखेंगे। दिनांक हम छोड़ देंगे, जब हमें पढ़ाना होगा हम तब की दिनांक डालेंगे। कक्षा 8 विषय हिंदी और समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम के अंतर्गत बच्चे विभिन्न संवेदनशील सामाजिक मुद्दों जैसे धर्म, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि की बात करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, मतलब बच्चे जो हैं विभिन्न संवेदनशील सामाजिक मुद्दों जैसे धर्म, अंधविश्वास, रूढ़ियों पर बात करते हैं एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना मत खुलकर रखते हैं। मतलब बच्चे जो भी संबंध है, सामाजिक जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में बच्चे संवेदनशील हैं। प्रकरण में काकी लिखेंगे। सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ से संबंधित चित्र, दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री और पाठ्य पुस्तकें, इसके अलावा चॉक एंड डस्टर। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं उन गतिविधियों में चार कॉलम बनाएंगे। क्रमांक, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रमांक में हम क, ख, ग लिखेंगे। चरण में शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद में। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक जो है वो प्रश्न करेंगे कि जिस प्रकार पिताजी की बहन को बुआ, फूफी आदि कहकर पुकारते हैं उसी प्रकार पिताजी के भाई को क्या क्या कहते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे, चाचा, अंकल, काका या जो भी बच्चे दें। इस जो पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट का टाइम लगेगा और आकलन के तरीके में हम बातचीत तथा प्रश्नोत्तरी लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा क्वेश्चन वो रहेगा काका की पत्नी को क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे काकी से संबंधित कोई कहानी सुनाओ, मतलब जिसमें काकी जैसे रिश्ते से संबंधित कोई कहानी सुनाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी शिक्षण के दौरान, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री दिखाने के पश्चात बच्चों को उचित हाव भाव के साथ पाठ की कहानी सुनाएंगे। बच्चों की समझ को परखने के लिए बीच बीच में उनसे कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे तुम्हारे यदि कोई दुर्घटना होती तुम्हें कैसा महसूस होता है, या तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, या जैसी घटना हुई है क्या तुम्हारे घर में इस प्रकार की कोई घटना हुई है, या फिर कहानी के संबंध में तुम्हारे क्या विचार है, क्या मतलब तुम फील करते हो। इस पूरी प्रक्रिया में हमें 20 मिनट का टाइम लगेगा और आकलन के तरीके में हम अवलोकन लिखेंगे। शिक्षण के बाद में बच्चों को अभ्यासकार से संबंधित शब्दों को देंगे, जैसे अभ्यासकार से जो संबंधित रहेंगे उनको देंगे और इसमें जो है संबंधित शब्द सम्मुख लिखिए। तो देखिए श्यामू के पिता क्या गया है, कॉलम कहा है श्यामू के पिता, श्यामू का साथी, श्यामू का भैया, श्यामू के साथी की बहन, श्यामू की माँ, श्यामू के साथी की माँ, और इसमें भोला, जवाहिर, काकी, जीजी, विशेश्वर, सुखिया, और बच्चे इसे बैठ के मैच करेंगे। और इस प्रक्रिया में हमें 10 मिनट का टाइम लगेगा और आकलन के तरीके में हम प्रदत्त कार्य को जांच कर लिखेंगे। गृह कार्य में पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को करें। शिक्षक की आगामी योजना, पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को समझाएंगे। जो भी अभ्यास प्रश्न है हम बच्चों को समझा देंगे ताकि वो घर से अच्छे से करके ले आएँ, कुछ गतिविधियाँ तैयार करके लाएंगे जिससे बच्चों की हिंदी विषय में रुचि बढ़े। और जो गृह कार्य है इसमें 5 मिनट का टाइम लगेगा और आकलन के तरीके में हम प्रदत्त कार्य को जांच कर लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हिंदी की एक और नई शिक्षण योजना कंप्लीट हुई। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।